अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए श्रेडेड चिकन, श्रेड की हुई चिकन बॉईल की हुई, और ये अंडा, और ये कुछ ब्रेड्स हैं, और ये है तंदूरी मसाला। इसका पैकेट मिलता है, इजी आपको हो जाएगा। ये तंदूरी मसाला से आप इसमें मसाले में डालेंगे और इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। और ये है प्याज थोड़ी सी बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक, हरी मिर्चें बारीक, और ये हैं स्लाइस चीज़, चेडर चीज़ है ये स्लाइस हुए हुए। और इससे हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो कि आप अगर रमज़ान में इसे बनाएंगे तो आपको बहुत मज़े के लिए ही है। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। अंडे लिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल के इस तरह से अच्छी तरह उसको बीट कर लीजिए, साइड पे रखिए। और एक बोल में थोड़ा सा पानी लिया है, और ब्रेड लिया है मैंने, और ये मिक्सचर जो आपके साथ बनाया है मैंने वो है चिकन का, और ये चीज़ है, और ये है ब्रेड क्रम्स। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये भी यूज़ करेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। हल्का सा हाथ पे इस ब्रेड को हम गीला करेंगे हर तरफ से, इसका कॉर्नर हटा देंगे हम। ये कॉर्नर ज़ाया नहीं किए जाते, किसी और काम आ जाते हैं, इससे ब्रेड क्रम्स बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। इस तरह ब्रेड को हमने दबा दिया। अब उसके बाद हमने इसे हाथ पे उठाएंगे ऐसे, और ये जो मिक्सचर हमने बनाया था वो यहाँ पर रखेंगे, चिकन का मिक्सचर एक स्पून जितना रख के। और अब हम इसमें डालेंगे ये चीज़ का स्लाइस, एक स्लाइस इसमें जाएगा ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस हो, ये बहुत इन्हेंस कर देगा हमारे फ्लेवर को इसके। और इस तरह हम इसको मोड़ना शुरू करेंगे, देखिए हल्के हल्के हाथों से, यहाँ से भी, और हम इसको मुट्ठी में लेके अच्छी तरह से दबाएंगे, इसको इस तरह हाथ में बॉल के शेप में कर लेंगे। ब्रेड को भी, और इस पूरे मिक्सचर को स्लाइडली सा हम करेंगे हल्का सा पानी के साथ, ज़्यादा पानी नहीं, हल्का पानी के साथ इस तरह का इसको शेप दे देंगे, गोल गोल सा। इस तरह मैं और भी बना देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसे अच्छी तरह डीप फ्राई करेंगे। और देखिए इस तरह से ये बॉल्स ही बन गई हैं, बिल्कुल पैक बॉल्स ही बन गई हैं, पानी की मदद से ब्रेड को हमने किया है। और अब हम इसे जो है अंडे में डिप करेंगे, और अच्छी तरह अंडे में गोल घुमा के इसको डिप कर लेंगे, और फिर हम इसे करेंगे फ्राई। इस तरह दूसरा भी डालूंगी मैं, रमज़ानों में रोज़े इफ्तार के टाइम ये बहुत मज़ा देती है, और आम दिनों में ये चाय के साथ भी बहुत मज़ा देती है। देखिए ऑयल हमारा गरम है पैन में, लाइट आंच रखेंगे आप इसकी, और इस तरह से दो पार्ट से इसको करते रहेंगे।
रेडी हो चुके हैं हमारे ब्रेड के ये बिल्कुल बॉल्स, ब्रेड एंड चिकन बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं। केचप के साथ सर्व करेंगे। आपको मैं इसे काट के दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं ये। ये देखिए, ये सारा चीज़ है, चेडर चीज़, और ये चिकन, बहुत ही मज़ेदार से ये बने हैं। आप भी इसे बनाइए रमज़ानों में और बना के खाइए, और इंशाल्लाह फिर आपके लिए और भी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।